नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं, डिक्लाइन हो गया तो आपको कितना गैप देना चाहिए। काफ़ी लोग ऑनलाइन वेबसाइट से कार्ड अप्लाई करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, डिक्लाइन होता है, बार बार प्रोसेस करते हैं। आज हम आपको सही तरीका बताने वाले हैं, डिक्लाइन हो जाने के बाद कितने टाइम बाद अगर आप प्रोसेस करते हैं तो कार्ड आपका आसानी से आपको मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। सो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एकदम आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। अगर डिक्लाइन हो गया है तो सामने से कार्ड आपको मिलेगा। दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन वेबसाइट से कार्ड अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने के बाद आप सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो, कार्ड आपका डिक्लाइन हो जाता है, परेशान होते हैं मेरा कार्ड क्यों डिक्लाइन हो गया। फ्रेंड, अगर आपने इस कार्ड को अप्लाई किया, अगर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया, अगर फ्रेंड आप जो है कार्ड डिक्लाइन हो जाने के बाद कम से ना कम दोस्तों आप जो है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, साल भर तक फ्रेंड मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप प्रोसेस मत कीजिए। यकीन मानो, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड प्रोसेस नहीं करते हैं फ्रेंड, इनका जो सिस्टम है, जैसे ही इनके सिस्टम में, इनका जो सिस्टम है आपके सिविल को ऑटोमेटिक ट्रैक करता रहेगा और ऑटोमेटिक जो है आपके डेटा को रिव्यू करता रहेगा और ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आएगा प्रे अप्रूव ऑफर का। फ्रेंड, आपको कार्ड मिल जाएगा बिना किसी इनकम प्रूफ का, जब आपका कार्ड अगर डिक्लाइन हो गया है और आपने दोबारा अप्लाई नहीं किया तो। फ्रेंड, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप इस कार्ड को दोबारा प्रोसेस करते हैं तो ये कार्ड आपका एक बार डिक्लाइन हो जाने के बाद अगर आपने दोबारा गलती से अप्लाई कर दिया तो आपका कार्ड बार बार डिक्लाइन होता ही जाएगा। इसका वजह फ्रेंड ये है कि ये लोग गैप देकर ही कार्ड अप्लाई करवाते हैं। अगर जो लोग गैप नहीं देते हैं उनको लोग का कार्ड जल्दी डिक्लाइन होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों, आप किसी और बैंक में अगर गलती किए हैं तो बैंक साथ कार्ड आपका अप्रूव कर दे, बट इस बैंक का इतना यूनिक तरीका है कि अगर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं दोबारा प्रोसेस कर लूँ, जैसे आप प्रोसेस करना चाहोगे आपका जो एप्लीकेशन है तुरंत फिर से डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको अपना पर्सनल सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने इस कार्ड को अप्लाई किया, डिक्लाइन हो गया है, तो आप चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाइए, दोबारा अप्लाई मत कीजिए। सो होता क्या है कि जब आप कार्ड अप्लाई नहीं करते हो फिर से, तो आपका जैसे जैसे सिविल बढ़ता रहता है, इनके साइट पे जो आपका पैन कार्ड नंबर डेटा रहता है वो सिस्टम को हमेशा ट्रैक करता रहता है, देखता रहता है, क्योंकि यहाँ पे रिव्यू किया जाता है कौन कस्टमर का डिटेल अच्छा है, कौन टाइम से पेमेंट कर रहा है, तो सिस्टम जो है नोटिफिकेशन भेजता रहता है और आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कंग्रेचुलेशन योर प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड ऑफर। आप क्लिक करके कुछ ही मिनटों में अपना एप्लीकेशन को प्रोसेस करके और वीडियो को ऐसी करके आप कार्ड को पा सकते हैं। फ्रेंड, यकीन मानो मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को इस तरीके से कार्ड मिला और आपको मिलेगा बिना किसी प्रॉब्लम का। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो आपको कार्ड मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेरी बात मान के इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कार्ड आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।